हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की आर वाचिंग टेक्निकल क्लेवर राज। तो यार कैसे आप लोग, मेरा नाम है राज। मैं आप लोगों के लिए ये HP का 15S GR00 10 AU, आप लोगों ने इसका रिव्यू मांगा था, मैं इसका रिव्यू आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं मेरे को बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि मुझे लगा इसके बारे में आपको बताऊँ। पहली बात मैं आप लोगों को बोलूँ, उसमें अगर आप गेमिंग करने वाले हो, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे कमेंट में कि गेमिंग के लिए कितना बेस्ट है, कैसा है कैसा नहीं। गेमिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। मैं आपको इसमें एक चीज़ जो है बैटरी प्रॉब्लम, मतलब अगर आप गेमिंग अगर ज़्यादा करोगे इसके अंदर में, तो इसमें आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी बैकअप है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, चार्जर, आप इसमें को चार्जर पे अगर आप लगाते हो, उस लैपटॉप को चार्जर पे अगर आप लगाते हो तो काफ़ी स्लो करता है चार्ज ये, ठीक है। कम से कम 1.5-2.5 घंटे लगभग ले लेता फुल चार्ज करने में। एक ये प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम इसमें जो है SSD, आप जब इसको खरीदोगे तो आपको SSD नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप गेमिंग करते हो, फोटो एडिट करते हो, वीडियो एडिट करते हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल में, तो आपको SSD डलवा लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल करते हो तो आपको डलवाने की ज़रूरत नहीं है SSD, लेकिन गेमिंग करते हो तो आप SSD ज़रूर डलवा लेना, उससे क्या होगा आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम इसके अंदर में क्या है, जो ये स्क्रीन है, आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर डस्ट घुस जाता है, ठीक है, इसको निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। इसमें धूल मट्टी जो भी है हल्की फुल्की इसमें जम गई है। मैं अभी इसे तीन चार दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो हल्की फुल्की इसमें ना डस्ट घुस गई है, ठीक है, यहाँ पर इसके साइड में, अंदर के साइड में। अगर मैंने इसको उल्टा करके भी इसको निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो निकला नहीं है धूल मट्टी जो भी है। तो सबसे पहले जब आप लैपटॉप लोगे तो इसको लैमिनेशन करवा लेना इसकी डिस्प्ले को, ठीक है, अच्छे से, कि इसमें धूल मट्टी कोई भी डस्ट इसमें ना जा पाए, ठीक है। इसमें और जो इसकी बॉडी है, बॉडी मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था कमेंट में, बॉडी इसकी के बताओ बॉडी के बारे में, तो बॉडी में इसको बताऊं आपको, तो बॉडी प्लास्टिक की है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन प्लास्टिक की बॉडी अच्छी क्वालिटी की, ऐसा नहीं है मेटल की नहीं है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था मेटल की है या नहीं है, तो मेटल की नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, दिखने में काफ़ी कूल है और पतला है काफ़ी लैपटॉप, ये काफ़ी ज़्यादा पतला है। और इसमें मैं आपको बताऊँ, अगर आप GTA 5 गेमिंग करते हो उसमें ना, तो मैं आपको बताऊँ, वो अगर इसमें 8GB रैम इसमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इसमें सब इनबिल्ड है, ठीक है, 8GB रैम, अगर आप GTA 5 कर रहे हो तो उस 8GB रैम को बढ़ाकर आप 12GB तक कर लो, क्योंकि अगर आप वो GTA 5 गेम खेलोगे इसके अंदर में, तो 2GB रैम इसमें कम से कम चाहिए उसके लिए, पर्सनल 2GB रैम चाहिए GTA 5 के लिए, ठीक है, तो रैम बढ़ा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो आप, तो ठीक है, ठीक ठाक आप गेमिंग इसमें कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर रैम बढ़ा लोगे तो ये लैपटॉप थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और SSD बढ़ा लोगे तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, फिर आप आराम से इसमें गेमिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये है, बता दी मैंने आपको। और हीट प्रॉब्लम तो नहीं है इस लैपटॉप के अंदर में, जैसे अगर आप काफ़ी देर तक काम कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो ये हीट नहीं होता है, ठीक है, ये काफ़ी सही दिया हुआ है, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, ठीक है, तो इसमें मुझे हीटिंग प्रॉब्लम तो लगी नहीं, ठीक है, बाकी आप अपना देख लेना। लेकिन चार्जर थोड़ा फास्ट दे देते हैं ये लोग, तो काफ़ी अच्छा रहता, ठीक है, इसमें क्योंकि चार्ज करने में ये 1.5-2.5 घंटे ले लेता लगभग, तो ये चार्जिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा आई है, ठीक है, तो ये देख लेना आप इसमें। और मैं कहूँगा आपसे SSD ज़रूर बढ़ा ले आप, क्योंकि इसमें SSD मेरे को नहीं मिला है, और मेरे को जो मिला है मैंने आपको बताया 39,980 रुपये का पड़ा है ये। एक व्यूवर कमेंट करके बोल रहा था मेरे को 41,000 रुपये का पड़ा है, जिसमें बैग वैग उसको मिला है, बट मेरे को बैग वैग कुछ नहीं मिला है, मेरे को सिर्फ लैपटॉप मिला है, ठीक है, वो भी 39,980 का ऐसी लगभग कुछ था, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ उसके बारे में। बाकी अगर ऑफिस यूज़र के बारे में बताऊँ, अगर ऑफिस वर्क कर रहे हो आप तो बहुत इजी है, अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, आप फुल HD इसमें वीडियोस सब देख सकते हो आप इसमें। अगर आप यूट्यूब के लिए अगर ले रहे हो लैपटॉप, तब भी बहुत ठीक है, क्योंकि आप हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो इसमें, अगर आपका बजट इतना ही है तो, ठीक है। स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा, ऑफिस के लिए भी थोड़ा सही कहूँगा, ये अच्छा है, काफ़ी थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको पूरा रिव्यू बता दिया है, ठीक है, बाकी मुझे इसके अंदर में कोई कमी नहीं लगी,
ठीक है। हाँ इसका जो कैमरे की क्वालिटी है, जो ये आप यहाँ से कैमरे की क्वालिटी अगर देखते हो यहाँ पर, तो कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा मैं इतना नहीं कहूँगा, मैं ठीक ठाक फ़ोटो, मतलब अगर आप किसी से वीडियो में बात कर रहे हो लैपटॉप के थ्रू तो ठीक ठाक आएगी, इतनी फुल HD या SD में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा आपको मैं। तो ये मेरा रिव्यू था इस लैपटॉप को लेकर। तो आपको अगर परचेज़ करना होगा तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। लेकिन इससे पहले जो मॉडल आया था ना AU9, वो उसमें GTA 5 खेल तो सकते थे पर उसकी क्वालिटी कम कर सकते थे। जैसे उसमें आप 1080 पर नहीं खेल सकते थे, आपको 720 पे करके ही खेलना था। GTA 5 में बहुत सारी सेटिंग होती है, अगर आप इस लैपटॉप को अगर आप परचेज़ करते हो तो GTA 5 अगर आप उसको इसमें लगा के डाउनलोड करके खेलते हो तो आप उसको देख लेना सही से अच्छे से, ठीक है। उसकी सेटिंग को देख लेना, आप उसकी सेटिंग को फुल मत करना, 720 पे करके आप इसे यूज़ कर सकते हो तो अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, मैं इतना ही कहूँगा। उसमें क्या था, जो इसका जो पुराना मॉडल था उसमें थोड़ा ना गेम लैग करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप 720 पे करके इसमें लैग नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, मैं इतना कहूँगा आपको। GTA 5 और PUBG भी आप इसमें अच्छे से खेल सकते हो, PUBG तो एकदम अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा, आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो मैं आपके आप लोगों के लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। मेरा यूज़र नेम है क्लेवर राज 7, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।